ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है। एक बार ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्ची चलो रूम पर धूम दीप करके आते हैं। तो जो आई पार्टियां होती थी इस जो है अपने शांति स्तंभ के सामने ट्रेनिंग सेंटर बन गया था, नीचे नीचे का बना था, ऊपर का नहीं बना था, कुछ पार्टियां उसमें ठहरी हुई थी। तो बाबा क्या करते थे, पैन में कोयले की आग लेकर के और चंदन का बुरादा और सब चीज़ें धूप लेके हवन करने का सामग्री लेकर के जाते थे और इतने अपने हाथ से ले जाते थे और ले जा करके मेरे साथ साथ मैं पकड़ लेती थी। जो भाई बहन सो रहे होते थे सबके रूम में वो शुद्धिकरण करके आते थे बाबा। तो जो सोया हुआ होता था उस समय खटिया नहीं होती थी, दीवार की तरफ सिर होता था, सिर के पास सबकी पेटी अटैची होती थी, सबके दो तरफ से दीवार और दोनों तरफ से सबके पैर एक तरफ होते थे, दीवार की तरफ सिर होते थे। तो बाबा उसमें कहते थे, देखो बच्ची इसमें जो नींद कर रही हैं वो तीन प्रकार की हैं, एक सत्तोगुणी नींद वाला है, एक रजोगुणी नींद वाला है, एक तमोगुणी नींद वाला है। मैंने बोला, बाबा वो कैसे पता चले सत्तोगुणी रजोगुणी नींद वाला? बाबा बोले, जो इतने प्यार से योग युक्त सो रहा है, जैसे भोलापन चेहरे पर है, आकर्षण है, पवित्रता नजर आ रही है, वो आकर्षण वाला चेहरा, भोला चेहरा और बहुत साइलेंस में है, तो वो लगता है ये सत्तोगुणी नींद है। और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सोया हुआ है वो रजोगुणी नींद है। और जो बिल्कुल ही मछली की तरह उल्टा पुल्टा, कहीं पैर है कहीं सिर है, तकिया से भी अलग हो गया है, पैर बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं, तो बाबा कहते हैं बच्ची ये तमोगुणी नींद में सो रहा है। तो इसी प्रकार सतोगुणी नींद क्या होती, रजोगुणी क्या होती, तमोगुणी क्या होती। फिर बाबा बताते थे, देखो इनसे पैर जो है किसके कितने गंदे हैं, पैरों के गंदगी से संस्कार का पता चलता है। अगर पैर गंदे हैं तो इसका मतलब अभी संस्कार भी इतने शुद्ध नहीं हुए, क्योंकि पैर से दिमाग का कनेक्शन है, पैर की शुद्धता से बुद्धि का कनेक्शन है। बाबा ने कहा, चरण की कितनी महिमा है, देवताओं के चरण को कमल शब्द देते हैं, कमल चरण। और संतों के लिए कहेंगे, मेरे घर में आप चरण घुमा के जाइए, मेरे घर को शुद्ध करिए। गुरुओं के चरण को धो करके पीते हैं, तो चरण की तो सारी महिमा है, और देवता बनने वाले बच्चों का चरण इतना गंदा। तब से ये मुझे लगा कि नहीं, चरणों की भी इतनी सफाई रखनी है, जिसके चरण साफ होंगे उसके संस्कार शुद्ध होते जाएंगे, उसके अंदर सफाई के संस्कार आ जाएंगे। इस तरह से बाबा ने ये भी सिखाया।